रंजीत सिंह है, ये कह रहा है गुरुदेव हम रामनवमी मनाना चाहते हैं और हवन में बैठना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे परिवार में कुलदेव की पूजा में अष्टमी और नवमी को होम नहीं लगते, इस कारण हम हवन में नहीं बैठ पाते। हवन आप दसवीं को कर लीजिएगा, रामनवमी मनाइएगा। धन्यवाद। एक कॉल ले रहे हैं। जय श्री राम। हेलो, हेलो, जय बागेश्वर धाम। हाँ, कहाँ से हैं बोल रही बहन जी? जी मैं बिहार से गोपालगंज जिला से। बिहार, अरे का कहना, बिहारी आदमी तो खूब भज रहे हैं बागेश्वर बालाजी को, खूब जज। तो रउआ ठीक बानी? बढ़िया बानी बाबा, बढ़िया बानी, का बात बा, जय हो। हमारे आस पास भी जो है बिहारी बाबू रहते हैं जो बहुत भात खाते हैं। हाँ, खुश रहा। बोलो क्या विषय? आपके हम माँ को आपकी तरफ से हम अपनी माँ को प्रणाम कर लेंगे। बाबा एक बार आप अपने मम्मी से एक बार मिलवा दीजिएगा बाबा। ठीक है बहन, कबू आप बागेश्वर धाम आओ। आई हो धाम? आपको वो भी मतलब कीजिए कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से मैं पहुँच जाऊँ, लेकिन पता नहीं। मैं हमारी सन्यासी बाबा के चंदे को, अब आज आपकी बात हो गई हमसे, अब बहुत जल्दी, अब देखो जो सब संकेत कहा हो कि फोन पे बात हो गई, अब बहुत जल्दी आप आवे वाले हो, जाओ। आपको जल्दी माता रानी बुलावे, बागेश्वर बालाजी बुलावे, हमारा खूब खूब आशीर्वाद। जय बागेश्वर, जय बागेश्वर, जय। ये सुनीता राय हैं गुरुदेव जी, ये कह रही हैं गुरुदेव सारे संत महात्मा कहते हैं कि शालिग्राम भगवान को खरीदा नहीं जा सकता, दान भी नहीं दिया जा सकता, लेकिन हम लोग को पता नहीं था, हम लोग खरीद के ले आए। गुरु जी अब हमें क्या करना चाहिए? भगवान तो कोई भी नहीं खरीदा जा सकता है, भगवान को कौन खरीद सकता है? विचित्र प्रश्न है। और आपने खरीदा नहीं, निछावर नाम दे सकते हैं उसके, निछावर भगवान की तो निछावर होती है, भगवान को कोई नहीं खरीद सकता, उनकी सेवा शुरू करो आप, ये मन का मलाल हटाओ। एक कॉल। श्री सीताराम, बागेश्वर धाम की जय। जय श्री राम। गुरु जी हम उन्नाव से बात कर रहे हैं। बोलो बहन। गुरु जी हमारे घर में मम्मी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और हमारे मतलब घर के सारे काम वगैरह रुके रहे। बागेश्वर धाम पर आपने अर्जी लगाई बहन? पापा आए थे धाम पर और अभी मम्मी तो नहीं आई है, पापा आए थे, बहन ने घर पे ही अर्जी लगाई है गुरु जी। ठीक है, आप उस नारियल को बागेश्वर धाम पहुंचा दीजिए। और हम जो देख पा रहे हैं पेट की पीड़ा और पैर, जी जी मम्मी की भी तबीयत, हाँ, तो ये दोनों हमारे संकेत में तो आ गए हैं, पर आप जो है घर पर आप एक सुंदरकांड का पाठ करवा दीजिए और भभूति यहाँ की पहुँचा दीजिए पुनः किसी को भेज कर, और पेशी शुरू कर दीजिए और लगभग 7 माह में कंट्रोल होने लगेगा मेरी बहन, जाओ। गुरु जी पेशी मतलब हम लोग चारों लोग आए धाम पे? ना ना ना, एक एक सदस्य, घर का एक सदस्य पेशी करे, कोई कोई भी, कोई भी। और माँ को फिर एक बार झाड़ा लगवा लेना धाम आके। और मंगल काज में रुकावट है जी, जी, गुरु जी, जैसे मंगल शुभ काम जिसे कहते हैं विवाह, मंगल काज में रुकावट है, यही है, जाओ ये सफल होगा, आशीर्वाद बहन। ये ज्योति मिश्रा है गुरुदेव, ये कह रही है महाराज जी लड़कियां क्या हनुमान चालीसा का हवन कर सकती हैं? हाँ, हवन कर सकते हैं बेटियां, हनुमान जी को भाई के रूप में मान करके हवन कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। श्री सीताराम। सीताराम गुरु जी। हाँ भैया, जय बागेश्वर धाम। कुआ बोल रहा हूँ कक्का, गुना जिले से बोल रहा। अच्छा, गुना के आओ भैया, बताओ का आज्ञा है मोरे लाने? खूब खुशी रहो भैया, का नाम बताओ तेने भाई साहब? अरे तुम्हारी जय हो भोलू भैया, बागेश्वर धाम नहीं है भाई? भाई दो बार तो अच्छा आउत रहियो, फरवरी में आयोजन है उसमें भी आइयो, तुम्हारे घर पे खूब कृपा बनी रहा है, बागेश्वर बालाजी ऐसी दया करें, जाओ आशीर्वाद। हाँ, ये अगला कॉल। श्री सीताराम। हाँ, जय बागेश्वर धाम। हाँ महाराज जी, सीताराम बहुत आशीर्वाद। सीताराम जी आज्ञा, महाराज जी आज्ञा। हाँ महाराज जी, हम बहुत परेशान हैं। कहाँ से बोल रहे हैं जी?
जी हम बोल रहे हैं जौनपुर से। जौनपुर उत्तर प्रदेश। जी महाराज जी, हमको कोई संतान नहीं हो रहा, पुत्र नहीं हो रहा, हमको आशीर्वाद दीजिए बालाजी के चरणों में। क्या भगवान आपके घर पर जल्दी हंसी खुशी लावे, संतति योग बनवे, परंतु अर्जी धाम की लगवा लियो। लगा ली हूँ महाराज जी, मैं एक बार आ चुकी हूँ, दूसरी बार मंगलवार को आने वाली हूँ। ठीक है, पेशी लगातार शुरू कर दो आप, मंगल की वजह शनिवार की। मैं महाराज जी श्री अंतरम पाना चाहते, मेरे पति के ऊपर कृपा करिए आप महाराज जी, मैं बहुत परेशान। भगवान खूब कृपा करें, श्री अंतरम के लाने आप जो है कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवा लियो और प्राप्त कर लियो, कोई दिक्कत नहीं। जय हो, खुश रहो, खुश रहे, खुश रहे सदा। आप इनको आशीर्वाद दीजिए लीजिए भैया। जय हो, जय हो सीताराम भैया। सीताराम गुरु जी। जय हो सीताराम गुरु जी, आपका मैं भी वीडियो मिस नहीं करते, बराबर देखते रहे। अरे कक्का मोरो देखा था रहिए, कोनो ना कोनो दिना कोनो बात मोरी चोट कर जे और तोरो भलो हो जे। अरे गुरु जी जान लीजिए, आपका वीडियो मतलब हम रात रात में जब जब क्या हमको देखते रहते हैं। क्या बात है, खूब खुश रहो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आया था मैं बागेश्वर धाम, हाँ, और 6 तारीख को गुरु जी फिर आ रहा हूँ। अब आई हो, आ जाओ बेटा, आ जाओ, खूब खुशी रहो, जाओ तुम्हारे घर जल्दी हंसी खुशी आवे, आशीर्वाद कोनो नहीं, आउत रहो बीच बीच, महीना में एक बार आओ, हैं, खूब खुश रहो। ये हिमाचल की बिटिया माही ने लिखा कि त्रिपुंड लगाना चाहते हैं तो किन उंगलियों का से त्रिपुंड लगाया जाता है, तो इन दो उंगलियों का आप प्रयोग कीजिएगा त्रिपुंड लगाने के लिए। और हिमाचल कब आओगे बिटिया? बहुत जल्दी आएंगे हिमाचल, ठंडा प्रदेश है। इससे जुड़ा एक सवाल है, गुरुदेव अजय प्रजापति जी हैं, हाँ, ये कह रहे गुरुदेव भगवान अपने बागेश्वर धाम के पागलों को माला करने की विधि बताने की कृपा। ठीक है, एक माला हमारे पास लाइएगा, हम माला का विधान बता देते हैं। हमारी माला लाइएगा। किरण कटारिया जी आप पूछ रहे हैं नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना करे, ऐसा कोई उपाय बताएं। देखो भाई, इसके लिए बढ़िया उपाय तो यही है, सबसे सरल और सटीक उपाय, कि राम द्वारे तुम रखवारे, श्री हनुमान जी महाराज जिस घर पर रक्षक होते हैं और भूत प्रीत वहाँ से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो पंचमुखी श्री हनुमान जी महाराज का अभिमंत्रित कवच अथवा फिर विग्रह जिसमें ब्राह्मणों द्वारा आचार्यों द्वारा नियम करवा करके अगर घर के द्वार पर बंधवा दें तो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। बागेश्वर बालाजी के नाम का झंडा और नारियल बांध लीजिए, जाओ खूब जय जय होगी। प्रिया आसाठी, गुरुजी आप पवित्र अवस्था में सीताराम बोल सकते हैं? हाँ बेटू, सीताराम खूब भजन कर सकते, कोई दोष नहीं है सीताराम बोलने में।